subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. पकड़ा गया सारा गुरुपाल का बहुत बड़ा झूठ, ऐसा कहा जाता है। नमस्कार, वेलकम टू हंगरी स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो दोस्तों, बात करते हैं सारा गुरुपाल के बारे में बहुत ही डिटेल में, और बहुत ही एक सबूत, एक ऐसा मैं आपको दिखाऊंगा जिसको देख के आप हैरान रह जाओगे। उससे पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल हंगरी स्प्रेड सब्सक्राइब नहीं किया, वो वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबाए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद जी। तो दोस्तों, बिग बॉस के घर, बिग बॉस का घर ऐसा घर है जहां पे बहुत सारे लोग आके अपना स्टेटस गलत बताते हैं, झूठ बोलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। मनवीर गुजर के बारे में भी बहुत सारी चीजें बाद में उछली थी कि मनवीर गुजर शादीशुदा है, उन्होंने बिग बॉस से ये चीज छुपाई। तो सबसे बड़ी बात जो मसाला आपने देखा था, अरहान खान और रश्मि देसाई का, जब अरहान खान का वहां पे एक्सपोज हुआ कि बच्चा, तो बच्चे का भी एक्सपोज हुआ कि बच्चा भी है, ना सिर्फ शादीशुदा है बल्कि अरहान खान का एक बच्चा भी है, जिसको देख के रश्मि देसाई बहुत चौंक गई थी। तो दोस्तों, सारा गुरुपाल जिन्होंने अपना स्टेटस बताया है सिंगल बिग बॉस के घर में, उनको लेके बहुत पहले, दो तीन साल पहले, लगभग दो साल पहले भी कुछ वीडियो वायरल हुए थे पंजाब के कुछ चैनल्स के ऊपर, जहां पे एक तुषार कुमार नाम के व्यक्ति ने वीडियो कन्वर्सेशन के जरिए ये बताया था कि सारा गुरुपाल के साथ उनकी शादी हो चुकी है। तो उन्होंने पहले तो बर्बली ऐसा बताया था कि सारा गुरुपाल के साथ उनकी 16 अगस्त 2014 को 12 बजे के करीब जलंधर की कोर्ट में उन्होंने शादी की थी, सारा गुरुपाल और तुषार कुमार ने। और सारा गुरुपाल क्योंकि बाहर जाना चाहती थी, अमेरिका का जो है वीजा लगवाना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने शादी की, बाद में उन्होंने डिच किया। तो उनका ये भी कहना था बहुत सारी वीडियोस में कि उन्होंने सारा गुरुपाल की बहुत फाइनेंशियली भी मदद की थी, उनकी गाड़ी की किस्तें भरते थे, उनके घर की किस्तें भरते थे, ऐसा ही बहुत सारा कुछ कहा। लेकिन अभी सारा गुरुपाल जब बिग बॉस के घर में आ गई हैं, सारा गुरुपाल ने तभी कहा था कि ये सब झूठ है। वो जो लड़की उस तुषार कुमार के साथ जो फोटोज पिक्चर्स वायरल हुए हैं शादी में, चूड़ा पहना हुआ है, तो वो लड़की सारा गुरुपाल जैसी ही दिखती है लेकिन कोई और है। तो अभी ये जो मैरिज सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया है उन्होंने, तुषार कुमार ने अभी हाल ही में, तो बहुत सारे पंजाब के चैनल के ऊपर भी फैला हुआ है, बहुत सारा ये वायरल हो रहा है कि ये देखिए सबूत, मैरिज कोर्ट का मैरिज सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया उन्होंने कि सारा गुरुपाल मेरी बीवी है। यानी कि वहां पे जो है नाम है लड़की का रचना देवी है, रचना देवी डॉटर ऑफ वीर सिंह ऐसा लिखा हुआ है, और एड्रेस भी हरियाणा का। वो एक्चुअली आपको बता दें कि सारा गुरुपाल का ही नाम पहले रचना देवी था, बाद में उन्होंने इंडस्ट्री में आने के बाद अपना नाम सारा गुरुपाल रखा है। हालांकि कोई शादीशुदा है कोई नहीं शादीशुदा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो चीजें अभी आगे जाके इससे ये जरूर पता चलता है कि बिग बॉस के घर में कौन कहां तक कंट्रोवर्सीज कितनी हो चुकी है, और उस वो कैसे कैसे बिग बॉस के घर में रंग दिखा सकता है आगे जाके, ये चीजें जरूर है। लेकिन ये मुद्दे भी बिग बॉस के घर के अंदर उठ सकते हैं, हो सकता है कि किसी इमोशनल पल में सारा गुरुपाल भी अंदर बिग बॉस के घर में ये रियलिटी को कबूल करके बताएं कि किन हालातों में उनको शादी करनी पड़ गई थी। हालांकि ये 2014 की बात है तो अब काफी समय हो गया है, 2020 है, 6 साल पहले की बात है, तो तब जाहिर सी बात है सारा गुरुपाल की उम्र भी इतनी नहीं होगी। तो ये देखते हैं कि अब इसके बारे में सारा गुरुपाल के क्या रिएक्शंस हैं। तो आपको ये जान के कैसा लगा वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। धन्यवाद।